हेलो एवरीवन, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आनंद मिश्रा और आज हम बात करेंगे सीआरपीसी के सिक्स टॉपिक की, जो कि है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। क्या डिफरेंस है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल में, बेसिक्स को समझेंगे। इसके साथ ही जो लास्ट पांच वीडियोस की बात करें तो आप उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सीआरपीसी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। सो इस टॉपिक में आपको इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल तीनों एस्पेक्ट को समझेंगे कि इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है और किस टाइम पे इन्वेस्टिगेशन होती है। फिर दूसरा हम लोग इंक्वायरी की बात करेंगे और तीसरा हम टॉपिक देखने वाले हैं ट्रायल का। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिगेशन के साथ। इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन देखेंगे तो डिफाइन किया हुआ है 2H ऑफ सीआरपीसी। 2H डेफिनेशन सीआरपीसी के डिस्क्राइब करती है इन्वेस्टिगेशन को। देखिए इन्वेस्टिगेशन क्या है। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स। कौन सी प्रोसीडिंग? ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड। कोड की बात कर रहा है, मतलब सीआरपीसी की बात कर रहा है। फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, पर्पज क्या है इसका? कलेक्शन ऑफ एविडेंस। कलेक्शन ऑफ एविडेंस आपको पर्पज मिलेगा कि जिस कोर्ट में आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, मेन पर्पज क्या है आपका कि इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस को कलेक्ट करना। कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर, कौन कर सकता है? पुलिस ऑफिसर कंडक्ट कर सकता है। और बाय एनी पर्सन, और क्या है, कोई एक दूसरा पर्सन भी कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो पुलिस ऑफिसर होगा, ठीक है, उसी को कंडक्ट करने के लिए मिलेगा इन्वेस्टिगेशन, ऐसा नहीं है। पुलिस ऑफिसर कर सकता है, लेकिन और कौन है? बाय एनी पर्सन अदर देन मजिस्ट्रेट। अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट होंगे वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं होंगे, क्लियर है। लेकिन वो कौन होगा? हु इज ऑथराइज्ड बाय अ मजिस्ट्रेट, ठीक है, इन दिस बिहाफ। अब क्या है कि इन्वेस्टिगेट, ऑब्वियस बात है, इन्वेस्टिगेशन की पावर पुलिस ऑफिसर को है, इसके साथ अदर पर्सन, कोई भी जो अपॉइंट किया जा रहा है मजिस्ट्रेट के द्वारा, वो क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट कर सकते हैं, क्लियर है पॉइंट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कब होती है, कमेंसमेंट कब होती है इन्वेस्टिगेशन की। तो जब आपको देखने को मिलेगा एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, एफआईआर जब रजिस्टर्ड होगी तो एफआईआर में आपको आईओ का नाम भी देखने को मिल जाता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ठीक है, जो कि आईओ होता है पर्टिकुलर केस के लिए, वो आपको देखने को मिलेगा। जो पुलिस स्टेशन ऑफिसर चार्ज होगा, जो पर्सन, वो क्या करता है, एक आईओ अपॉइंट करता है पर्टिकुलर केस के लिए। तो आईओ क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है जब ऑफेंस का आपको एफआईआर देखने को मिलेगा। और एफआईआर का आप देखो प्रोविजन तो आपको सेक्शन 154 में देखने को मिल जाएगा सीआरपीसी के, क्लियर है सबको। अब सीआरपीसी के प्रोविजन की बात करें तो आपको 154 में जब एफआईआर रजिस्टर होगी तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर स्टार्ट करता है इन्वेस्टिगेशन। दूसरी बात करें, जब कोई कंप्लेन का केस होगा, कंप्लेन किसको फाइल करते हैं हम लोग? मजिस्ट्रेट को फाइल करते हैं डायरेक्टली। जब कंप्लेन फाइल करोगे तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, किसी पर्सन को ऑथराइज्ड करेगा, किसको? इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो वो पर्सन क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। हो सकता है वो पुलिस ऑफिसर को ही करे या किसी और पर्सन को अपने बिहाफ पे इन्वेस्टिगेशन के लगा सकता है, लेकिन मजिस्ट्रेट खुद डायरेक्टली क्या नहीं करेगा, इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की पावर मजिस्ट्रेट को नहीं होती है, क्लियर है इतना। सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग को बेसिकली डिफाइन किया था, आपको केस देखने को मिलेगा एलएम भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1973 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें क्या कहा है, इट इज एन इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस, ठीक है, पुलिस की बात कर रहा है, इज नाइदर एन इंक्वायरी नॉर अ ट्रायल। मतलब क्या बता रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है वो ना तो क्या है, इंक्वायरी है ना ट्रायल है, ठीक है, एक्सक्लूड कर दिया गया इसको अंडर सीआरपीसी। व्हेन अ पुलिस ऑफिसर ऑन रिसीविंग द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन एंड रजिस्टरिंग अ केस, मतलब क्या, एफआईआर की बात कर रहा है यहाँ पे, जब एफआईआर आप रजिस्टर्ड कर देते हो केस को, विजिटिंग द सीन ऑफ ऑकरेंस ऑफ क्राइम, तो क्या करता है जो आईओ होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, वो क्या करेगा, विजिट करेगा सीन को जहां पे क्राइम क्या हुआ था और इंक्वायर करेगा किसको, एक्यूज्ड को, ठीक है, एक्यूज्ड को, जो ऑफेंडर है उस पर्सन को, और क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा स्टेटमेंट विटनेस के। इस प्रोसेस को सिंपली हम लोग कहते हैं इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग कहा जाता है। सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है इंक्वायरी का। जब इंक्वायरी की बात करते हैं तो इसको डिफाइन किया गया है 2G में, ठीक है, सीआरपीसी के 2G में आपको डेफिनेशन मिलेगी इंक्वायरी की। लेकिन इंक्वायरी में देखिए क्या लिखा है, इंक्वायरी मींस एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल। मतलब इंक्वायरी को आपने एज सच को डिफाइन नहीं किया, लेकिन आपने क्या कहा है, जो इंक्वायरी होती है उसका ट्रायल पार्ट नहीं होता। मतलब क्या कह रहे हैं कि जो इंक्वायरी देखने को मिलेगी आपको, इंक्वायरी और ट्रायल जो है वो दोनों क्या है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। कौन करता है? कंडक्टेड अंडर सीआरपीसी बाय अ मजिस्ट्रेट और कोर्ट। मतलब कौन करेगा इंक्वायरी, अगर आप जब भी बात करोगे तो मजिस्ट्रेट और कोर्ट क्या करती है, इंक्वायरी को कंडक्ट करती है। इंक्वायरी की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा 159 सेक्शन ऑफ सीआरपीसी एम्पावर्ड करता है मजिस्ट्रेट को
कि क्या करें पुलिस रिपोर्ट के रिसिप्ट पे, पुलिस रिपोर्ट जब रिसीव होगी उसके अंडर आपको कहाँ पे रिसीव होती है, 157 में आपको पुलिस रिपोर्ट जब रिसीव होती है तो मजिस्ट्रेट की ड्यूटी होती है, एम्पावर्ड है पर्सन, वो क्या करता है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी क्या करता है मजिस्ट्रेट। तो इसका मतलब कोर्ट जो है मजिस्ट्रेट है वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है, टू असर्टेन वेदर एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। मतलब क्या है कि वो देखना है उनको कि क्या ऑफेंस कोई कमिट हुआ है नहीं हुआ है, कि कोई बेसिस है जिसके ऊपर क्या करते हैं वो लोग ट्रायल को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर टाइप ऑफ इंक्वायरीज की बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा जुडिशियल इंक्वायरी, नॉन जुडिशियल इंक्वायरी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरीज होती है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, लोकल इंक्वायरी, इंक्वायरी इंटू एन ऑफेंस, इंक्वायरी रिलेटेड टू मैटर्स अदर देन ऑफेंस, ये सारे टाइप्स ऑफ इंक्वायरीज आपको देखने को मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 1976 में हलीमुद्दीन वर्सेस स्टेट में ये क्लियरिफाई किया था कि जो ट्रायल होता है आपको देखने को मिले, ट्रायल वर्ड जो देखने को मिलता है, ट्रायल प्रोसीडिंग होती है वो क्या होती है, इंक्वायरी की डेफिनेशन में एक्सक्लूड किया गया है स्पेशली। इसका मतलब क्या है, जो आपको इंक्वायरी देखने को मिलेगा वो ट्रायल से बिल्कुल डिफरेंट है, क्लियर है। तो कोई आप इसको मिक्स मत मानिएगा कि इंक्वायरी का मतलब ही ट्रायल होता है या इसके अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। अगर आप भी पीसीएस जे की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अन अकेडमी आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप तो आनंद सर 10 कोड यूज कीजिए तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, जहां पे आप थाउजेंड ऑफ एस्पिरेंट्स के साथ कम्पीट करते हैं और अपने एम को अचीव करने में मदद मिलती है आपको, जहां पे आपको फ्री स्पेशल क्लासेस डेली मिल जाती हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है वहां से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो क्लासेस देखने को मिलेंगी वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू लॉ, लोकल एक्ट्स सारे स्टेट्स के कराए जाते हैं, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आईपीसी, ज्यूरिसप्रूडेंस, सीआरपीसी, एविडेंस सेट, इसके अलावा भी अदर सब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, सारी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलती है। स्पेशल फीचर्स की बात करें तो उस केस में इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, ठीक है, जिसमें आप लाइव चैट के थ्रू अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। पोल्स का ऑप्शन आपको मिलता है एमसीक्यू फॉर्म में, रेज अ हैंड आपको प्लस सब्सक्रिप्शन मिलता है जिसमें आप कॉल करके एडुकेटर से क्लास के बीच में डाउट क्लियर कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको अवेलेबल होती है जिससे आप कोई क्लास मिस नहीं करेंगे। पीडीएफ फॉर्म में लेक्चर्स आपको मिलते हैं, ठीक है, क्लास ओवर होने के बाद आपको पीडीएफ फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको, और घर बैठे आप भी कहीं से भी लॉग इन कर सकते हैं क्लासेस को। प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट की बात करें तो इंडिया के बेस्ट एडुकेटर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव क्विजेस और टेस्ट का आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा। किसी भी स्टेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहां का आपका कोर्स पूरा कराया जाता है, प्लस आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं आपके लिए। इसके साथ ही एक्सपर्ट गाइडेंस प्रोग्राम भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको अलग अलग बैचेस देखने को मिलेंगे, जो कुछ बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, डेट देख सकते हैं जैसे, ठीक है। लेकिन लॉ फॉर ऑल 1.0 बैच जो है, 1 ईयर बैच फॉर जुडिशियल एग्जाम, ठीक है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो उस केस में आप कोड यूज कर सकते हैं आनंद सर लाइव, तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। प्लस सब्सक्रिप्शन के पैक की बात करें तो उस केस में आपको 1 मंथ से लेके आपको 24 मंथ्स के प्लान अवेलेबल हैं, ठीक है। कोई भी अगर आप प्लान लेते हो और उसमें आप कोड यूज करते हो आनंद सर लाइव, तो उसमें आपको 10% का फ्लैट ऑफ मिल जाएगा, क्लियर है। अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, सब्सक्रिप्शन ले लें, 23 सितंबर से प्राइजेस 10% इंक्रीज हो रहे हैं। आप देख सकते हैं जैसे करंट प्राइस की बात करें और न्यू प्राइस में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। जैसे हम बात करें 24 मंथ्स के प्लान की, तो 24 मंथ्स का प्लान अभी आपको 50,000 मिलता है, लेकिन 50,000 से आपको कैसे डिस्काउंट मिलेगा, आप आनंद सर लाइव कोड यूज करें तो आपको 10% फ्लैट ऑफ मिल जाएगा। तो यही आपको जो ऑफर देखने को मिलेगा, 50 की जगह 45,000 का पड़ जाएगा प्लान। और अगर आप 22 के बाद लेंगे तो ऑब्वियस है आपको 50,000 पड़ेगा, तो आप देख सकते हैं कितना बेनिफिट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद हमें आप फॉलो कर सकते हैं अन अकेडमी जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आपको लाइव फ्री क्लासेस मिल जाती हैं रेगुलरली, और इसके साथ आप अन अकेडमी के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट स्टेज जब देखने को मिलेगी तो आपको ट्रायल की प्रोसीडिंग मिलती है। ट्रायल क्या होता है, जब ट्रायल स्टार्ट होता है, मान लीजिए आपका इन्वेस्टिगेशन यहाँ से शुरू हुआ और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया है, इसके बाद क्या होता है, नॉर्मल प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी कर ली गई, कोर्ट ने इंक्वायर कर लिया कि क्या है ऑफेंस कोई बनता है। जब आपको चार्ज फ्रेमिंग देखने को मिलेगी, चार्ज फ्रेमिंग के बाद क्या होगा, आपकी स्टेज शुरू हो जाती है ट्रायल की। जो ट्रायल के बाद क्या होता है, दो ही स्टेजेस आपको देखने को मिलेंगी, या तो पर्सन जो एक्यूज्ड है वो क्या होगा, एक्विट होगा, एक्विटल होगा उस पर्सन का, या क्या होगा, कन्विक्शन होगा, ठीक है। अगर वो गिल्टी पाया जाता है तो कन्विक्ट हो जाता है, अगर गिल्टी नहीं होता है तो ऑब्वियस होता है उसको क्या कर दिया, एक्विट कर दिया जाता है, क्लियर है। यहाँ पे कोई डिस्चार्ज वर्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा,
तो ट्रायल के बाद आप सीआरपीसी में देखेंगे, सीआरपीसी देखिए डज नॉट डिफेंड, पहली बात तो ट्रायल को डिफाइन नहीं करता है। अगर आप इंक्वायरी की बात करें, इंक्वायरी में भी टर्म दे रखी है कि इंक्वायरी में क्या होता है, ट्रायल इंक्लूड नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है, जब आपका इंक्वायरी खत्म होती है उसके बाद ट्रायल शुरू होता है। ट्रायल की स्टेज जब नेचुरली देखें हम लोग, तो वो मानी जाती है आपकी जब चार्ज फ्रेमिंग की होती है, ठीक है। तो ये डिटरमाइन करता है जुडिशियल ऑफिसर जो होते हैं वो क्या करेंगे, किसी कॉज में देखेंगे कि क्या वो पर्सन जो जिसका ऑफेंस का ट्रायल हो रहा है, जिस पर्सन का, वो क्या एक्विट होगा या कन्विक्ट होगा। अब बात आती है, हम लोग देखते हैं कि क्या अगर आपको लगता है कौन कौन सी स्टेजेस हैं जब केसेस की बात करें, तो वारंट केस को जब आप देखते हो, वारंट केस को, तो वहां पे आपको कब ट्रायल स्टार्ट होता है, जब आप फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस हो जाते हैं। जब चार्ज फ्रेमिंग हो जाएगी तो उस टाइम से क्या स्टार्ट हो जाएगा, आपका ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। समन केसेस में क्या होता है, ट्रायल कब स्टार्ट होता है, जब एक्यूज को कहाँ लाया जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है, पेश किया जाता है, उस केस में आपका समन केसेस में माना जाता है कि ट्रायल स्टार्ट हो चुका है। और अगर कोई ट्रायल जो अगर आपको ट्रायल देखने मिलेगा जो एक्सक्लूसिवली कौन करता है, ट्रायल ट्राइबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन है, तो उस केस में आपको देखने को मिलेगा जब क्या हुआ है, कम्यूटल हुआ है। कम्यूटल कौन करता है, मजिस्ट्रेट आपको जो ऑफेंस होता है उसको क्या करता है, कॉग्निजेंस लेने के बाद कमिट करता है किसके लिए, कोर्ट ऑफ सेशन के ट्रायल के लिए, जो कि एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन था। तो ये तीन स्टेजेस देखने को मिलेंगी आपको, कि पहला कौन सा वारंट केस, दूसरा आपको समन, और तीसरा जो कि कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल करता है। इस टॉपिक में बस इतना ही। अगर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी आपको वीडियोज के लिए प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी, सीआरपीसी की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी जिसे आप देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो आप लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें।